अच्छा, बेसिकली मैंने किया क्या है, सिंपल एक ट्राईपोड का मोबाइल होल्डर लिया है जो मार्केट से 70-80 रुपए का मिल जाता है। अब हेलमेट में ना, यहाँ पे इस साइड पे ये जो जगह है ये ऊपर नीचे होती है, इसमें एक स्लॉट नज़र आती है, तो उसमें ना मैंने पेचकस से एक सुराख किया है जो कि इसकी बैक साइड पे खुल जाता है। यहाँ पे मैं आपको क्लोजली दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो मैंने क्या किया है, उसके अंदर दो सुराख किए हैं, ठीक है। अब दो सुराख करने के बाद मैंने इसको सामने ऐसे लगाया जिस पोजीशन पे मैंने इसको फिट करना था, फिर उसमें मैंने दो सुराख करने के बाद यहाँ से थ्रेड इसके अंदर गुजारा, इसके पार लेके जाके फिर उसके अंदर गुजार के उसको गिरा लगा के मैंने एल्फी लगा दी ताकि ये बिल्कुल हार्ड हो गया, ठीक है। अब ये अपनी पोजीशन पे स्टिक कर गया। इसके साथ ही जहाँ पे ये मेरे हेलमेट के साथ टच हो रहा था वहाँ पे भी मैंने एल्फी लगा दिया, इस साइड पे भी मैंने ऐसे ही सेम किया। और मोबाइल को लगाने के बाद मुझे ये शक था कि सामने की साइडों से तो मूवमेंट और ऊपर नीचे से मूवमेंट को ये रोक लेगा, लेकिन सामने गिरने का डर है। अगर कोई जर्क लगे या ज़ोर से ब्रेक लगे तो मोबाइल ऐसे सामने गिर सकता है। तो मैंने नीचे भी एक धागा लेके उसको टाई किया और इस पे भी एल्फी लगा दी, ये भी बिल्कुल हार्ड हो गया, ठीक है। जब मैं अपना मोबाइल लगाता हूँ तो फिर उसको ऑल द वे यहाँ से ले जाके ऐसे इसको यहाँ पे एक गिरा लगा देता हूँ ताकि मेरा मोबाइल सामने की तरफ फिर नहीं गिरता। तो फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा शेक करके भी देखा तो उससे मेरा मोबाइल नहीं गिर रहा था। तो ये बहुत सॉलिड किस्म की बन गई है माउंटिंग। तो ये एल्फी और थ्रेड और ये मोबाइल होल्डर, तीन चीज़ें यूज़ करके तकरीबन आपको ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपीज़ लग जाएंगे। तो ये आप कोई भी मोबाइल इसमें लगा दें जिसकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी है, तो ये आपकी बन सकता है अच्छा व्लॉग।